दोस्तों, जय बद्री विशाल। आप लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त रहे। और कविता बिज ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। और मैंने अपने ब्लॉग की शुरुआत कर ली है सुबह सवेरे, और देखते हैं आज दिन भर में क्या होता है, क्या नहीं होता है। जो कुछ भी होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आप मेरे साथ यूँ ही बने रहना, जो भी होगा वो मैं आपको दिखाती रहूँगी। मिलते हैं आपको हम थोड़ी देर बाद। तो दोस्तों, टाइम हो चुका है ओम के स्कूल से घर आने का, क्योंकि आजकल चल रहे हैं एग्ज़ाम, तो इसलिए जल्दी छुट्टी हो जाती है। तो अभी चलेंगे पहले सीधा ओम को लेने, और यहाँ से ले लेते हैं अपनी धनों की चाबी और चलते हैं सीधा ओम की स्कूल, और वहीं पे जाके मैं आपको मिलूँगी। तो दोस्तों, इस आज मौसम की बात करें तो आज बहुत टाइम बाद देहरादून में खिली हुई है चटक धूप, और मौसम बहुत सुहाना है। सुबह तक तो लगे हुए थे बिल्कुल बादल, लग रहा था अभी बारिश आ जाएगी, लेकिन अभी बहुत अच्छा मौसम हो रखा है। चटक धूप खिली हुई है, वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ आज के देहरादून का मौसम। आगे आले में यहाँ पढ़ती है।
मुझे कैसे पता? मैंने एक दिन उनको देखा, उनको ऑटो आता ना। कुछ खा लेंगे नहीं लाए पैसे मेरे को, क्या सपने हो रहे थे, क्या खाना था? कल लाना पैसे, कल खाएंगे। क्या खाना है? चलो चले चलो। अच्छा तो आज तेरा पेपर बहुत मजेदार है। तो हम तुम्हें खुश करेंगे। ये तुमको दिखा तो दिया कितनी बार। कॉलोनी के अंदर है ना, पहुँच चुके हैं हम अपनी सोसाइटी के अंदर, और ये है हमारा हमारी अजंता इनकलैब। और हम ऊपर को जाएंगे, पहले हमारा नीचे का था, हम ऊपर को जाएंगे। अभी पता तुझे मैंने पूजा पाठ भी देखी है तुझे लेने आएगी, आज काम वाले ले आएगी होगा फिर। काम तो बहुत होगा फिर आज, काम अपने पटेगी। पर पूजा ये स्कूटी पार्क ये देखिए, और कल हमने बुआ पे बिठाई है, बुआ से स्कूटी संभाली नहीं जा रही, कल बारिश आई क्या? चलो अब देखते हैं मम्मी, आज दिख नहीं रही, चलो अंदर देखते हैं। पक्का मम्मी कहीं लेटी होगी या तो किसी से बात कर रही होगी। ये मेरा है। तेरा है तो कहाँ गिरा रखा था? वो गिर गया बैग से। हाँ मैं बाहर गेट से उठा के ला रही हूँ। ले भाई अब मैं कर लेती हूँ पहले पूजा पा। सोम आ चुका है स्कूल से। सोम आ गए बेटा? अब प्रणाम कौन करेगा बाबू? वेरी गुड, देखिए सोम स्कूल से आके सबको करता है प्रणाम। अब वो देखिए ओम है, ओम 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 नहीं जा रखा था, छोमू ओम को आपने स्कूल में नहीं देखा? ओम भैया को स्कूल में देखा है? पूछो उससे, पूछो पूछना उससे, पूछ। नहीं नहीं वो भी गया था बेटा स्कूल, उसके पेपर हो रहे ना, उसकी छुट्टी आपसे पहले हो गई थी। ठीक है पूछ ले उसको, पूछ उसको, पूछ उसको, पूछ ले। फिर पंगा नहीं, पंगा नहीं। अब क्या पढ़ा आपने आज स्कूल में?
हाँ चुनमुन सेठ, कैसे हुए पेपर? सब लिखा। अच्छा अच्छा, मतलब अच्छा तुम मजाक मत किया कर। अच्छा हुआ ना, क्या वो पर्दे पे क्या झूल रहा? अच्छा हाँ, छोमू ने टिफिन नहीं खाया स्कूल में? नहीं। क्यों? ऐसे नहीं। पहले बोल, टिफिन क्यों नहीं खाया? अरे यार मत कर, टिफिन क्यों नहीं खाया है सोम? कुछ नहीं खाया मैंने आज, मेरा मूड नहीं है। ये बाबा खाने का भी कोई मूड होता है? ये कह रहा है कि मेरा खाने का मूड नहीं है। ये सोम को लग चुकी है स्कूल से आकर के प्याज। क्या पी रहे हो सोम? पानी। पानी पी रहे हो? आपके स्कूल का नाम क्या? अपना नाम बताओ स्कूल का। ये देखिए इसको, पानी पीने का ढंग इसका, वो देख पूरा गिर रहा है यार। सोम नाम क्या है तेरा, बताओ जल्दी बताओ। इस पे देख के पहले नाम बता, दिखा। वाह, छोमू को मिला है स्टार। देखिए सोम ने कितना सुंदर सुंदर लिखा है, और मैम ने दे रखा है एक स्टार सोम को। देखा ओम, स्टार मिल रखा सोम को। हाँ ऐसे बहुत मिल रखे ना तुझे तो। आज रेखा आई है सज धज करके, और आज है रेखा का व्रत। आज क्या है रेखा? आज है 30। हाँ। ये महाराष्ट्र में होती है, और कल मतलब महाराष्ट्र मुंबई इधर सभी जगह होता है ना ये तो। हाँ। लेकिन ये गणपति वाली है। हाँ। आज हम लोग व्रत रखेंगे, और ये व्रत सीधा कल दिन में जब हमारे घर पे नासिक में गणपति बैठ जाएगी उसके बाद ये व्रत तोड़ा जाता है। मेहंदी दिखा दो अपने। ये है, ये देखो रेखा ने कितनी सुंदर मेहंदी लगवाई। ये देखो पूरी ऊपर तक लगा रखी है, बहुत सुंदर। और रेड कलर की ड्रेस में और सुंदर लग रही है। रेडी रेड सर से लेकर पांव तक रेडी रेड और की लेकर रेड पहना। हाँ यार बहुत सुंदर लग रही है, और मेहंदी भी बहुत अच्छी लग रही है, और चूड़ियाँ भी सब रेड रेड चूड़ियाँ। में ऐसी बारीक चूड़ियाँ पसंद है मुझे, बारीक है नहीं, मैं मोटी नहीं पहनती। हाँ अच्छी भी नहीं लगती वो। आइए मैंने कहा चलो। तो बन चुका है आज हमारे दिन का खाना, और दिन के खाने में आज हमने बना रखा है छोले और चावल, और सब बच्चे बैठ चुके हैं खाने को। ये देखिए ये ओम है, कैसा हो रहा भाई छोला चावल? मस्त चुनमुन। और इधर बैठे हैं सोम। सोम कैसा हो रहा? बहुत मस्त। तो ये मेरी थाली लगी हुई है, तो अब खा लेते हैं दिन का खाना। और ये देखिए आज आ रखी थी लोकल ककड़ी, और हमने ली लोकल ककड़ी। देखते हैं कहाँ की है ये, कैसी हो रही, कड़वी तो नहीं हो रही ना? अच्छी हो रही ककड़ी, खूब मीठी है। तो अभी खा लेते हैं खाना, फिर मिलते हैं आपसे हम थोड़ी देर बाद। मेरा निकाल रही हूँ, तुम दो कि बदतमीजी हैं, देख लेना। जाओ नहा लो, पीछे नहा लो दोनों, आज पाइप से नहाओ। सोमू पीछे पाइप से नहा लो बेटा, पाइप से ऐसे करके नहाओ। वो देख वो देख, वो सेम जैसे ओम करेगा वैसे सोम करेगा। ये देखा, देखिए आधी रात हो गई है, और एना और मैं आए थे अर्चना के यहाँ, राखी का कुछ सामान छूट गया था, और मुझे भी मनोरमा के लिए कुछ पहुँचाना था, इसलिए आए थे हम अभी राखी के यहाँ। और सामान देने के बाद अब निकल चुके हैं हम घर की ओर, और आज का ड्राइवर है एना। आज का ड्राइवर है एना। तो चलते हैं अभी घर, और घर जा कर के मिलेंगे, क्योंकि अभी बहुत अंधेरा हो चुका है दोस्तों। तो अब मैं अपने आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप लोगों ने मेरे आज का ब्लॉग देखा हो, इन्जॉय किया हो, तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक शेयर एंड कमेंट्स कीजिए। और जो कोई मेरे चैनल में नए जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलती हूँ मैं आपको नए ब्लॉग में, नई दिनचर्या के साथ, नई चीज़ें लेकर। तब तक के लिए जय बद्री विशाल।